सेंटेंस टेस्ट 2012 के सॉल्यूशन के बारे में। हम लोग ओल्ड पेपर की सीरीज को सॉल्व कर रहे थे, आज हम लोग क्लास 11th के पोर्शन को सॉल्व करेंगे जिसमें आपका मैथमेटिक्स का ग्रुप है। हम लोग मैथमेटिक्स के ग्रुप को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि टाइमिंग इसकी जो होती है 2 आवर्स की होती है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होते हैं। 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ये मिक्सअप रहता है सारे सब्जेक्ट का। जैसे आपका मैथ ग्रुप है तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा, PMC रहेगा और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं इसमें। ये आपका पहला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथमेटिक्स से है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिट चुका है। नंबर ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल PX इक्वल टू x² + 3x + 2 इन द इंटरवल, एक इंटरवल दिया है -3 - 3/2 दिया है इंटरवल, इसमें आपका इसका निकालना था। तो मैंने सॉल्यूशन कॉपी भी कर दिया है, आपको यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने कॉपी भी कर दिया सॉल्यूशन इसका। आप फैक्टराइजेशन करेंगे x² + 3x + 2 का तो आपका फैक्टर जो आएगा -1 और -2 आएगा। फैक्टराइजेशन इस प्रोसेस होगा, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसका और लास्ट वाले का और पहले वाले का। तो 2x² आ रहा है, बीच वाले को ऐसा तोड़ना होता है कि उसका मल्टीप्लाई करने पे 2x² आया है बट प्लस करने पे 3x ही आया। तो यहाँ पे प्लस करने पे 2x और 1x को प्लस करने पे 3x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 2x² आ रहा है। अगर फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता तो देख लीजिए, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x से, x + 2 बचा, यहाँ से +1 को कॉमन लिया, x + 2 यहाँ से बचा, दोनों ब्रैकेट में आपका सेम बचना चाहिए तभी आपका फैक्टराइजेशन सही है। फिर ये फैक्टर निकाल लिया जिसमें से -1 और -2 आ रहा है। तो हम लोगों को ये एक इंटरवल दिया है, इसी में आपको जो वैल्यू आ रही है वो लाइस करनी चाहिए। -3 और -3/2 को हम लोग लिख सकते हैं -1.5, ठीक है। तो आपका जो 2 है इसके बीच में लाइस कर रहा है बट -1 इसके बीच मतलब बाहर हो जा रहा है, इस इंटरवल जो दिया गया है उससे बाउंड हो जा रहा है, मतलब बाहर हो जा रहा है। तो इसका केवल एक सॉल्यूशन है, नंबर 1, केवल 1 सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स QX = x² + 3x + a दिया है, a है जो बराबर नहीं है 0 के, देन द वैल्यू ऑफ α² / β + β² / α, 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, थोड़ा सा आपको माइंड का रिक्वायरमेंट होगा, माइंड लगाएंगे हो जाएगा। हम लोग जानते हैं आपका α + β उस इक्वेशन से x² + bx + c जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c, इससे यहाँ से हम लोग α + β = -b/a होता है और α × β = c/a होता है। ये इक्वेशन क्या दिया गया है, x² + 3x + a, ये इक्वेशन दिया गया था। यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे इस आपके फार्मूले से, सिंपल ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है पॉलीनोमियल का, α + β = -b/a होता है, तो यहाँ -3 हो जाएगा, α × β = c/a दिया गया है उस क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं। तो हम लोगों को निकालना था वैल्यू α² / β + β² / α, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें α × β से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये α × β अंदर जाएगा तो β कैंसिल हो जाएगा, α³ + β³ बन जाएगा। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं a + b³ का, सिंपल आप भी जानते होंगे, α + β³ = α³ + β³ + 3α β (α+β) ये दिया गया है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को α³ + β³ निकालना है तो ये हो जाएगा और इसमें मैंने वैल्यू को पुट कर दिया गया, जो जो वैल्यू मैंने निकाला था यहाँ से वैल्यू को पुट करने के बाद α³ + β³ का वैल्यू 9a - 27 आ रहा है। सॉल्व करने पे वैल्यू में पुटअप कर देंगे, यहाँ से हम लोगों को बन गया α³ + β³ की जगह 9a - 27 पुट कर दिया, अपॉन में α × β a है तो अपॉन में a को पुटअप कर देंगे आप तो वैल्यूज की आ जाएगी। देख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट है 9a - 27 / a,
ये ऑप्शन करेक्ट है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इसको सॉल्व करने आना चाहिए, ये आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके थर्ड इसमें द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 11 13 कॉमा 15 लिव्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर बच रहा है दिस, मतलब तीन नंबर जो दिए गए हैं 11 13 और 15 से डिवाइड करने पर 1 2 3 आपका रिमाइंडर बच जाते हैं। तो इसको आप चेक करेंगे, डिवाइड कर करके चेक करेंगे तो जो ऑप्शन आपका बी वाला है ये आपका करेक्ट है, 1068 ये डिवाइड करने पर रिमाइंडर रिस्पेक्टली ये बचेगा आपका। नेक्स्ट आपका फोर क्वेश्चन, फोर में बोला जा रहा फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर रूट में दिया है एन माइनस वन प्लस रूट में एन प्लस वन, ये जो होगा आपका अपरिमेय होगा हमेशा, इरोटेशनल होगा, तो ये आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है आपका इसका, तो ये आपका दूसरा करेक्ट है। इसमें फिफ्थ है दिया है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो कॉमा टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो हैज, कौन सा इसमें से सॉल्यूशन है, जो आपका ऑप्शन बी है नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, हल नहीं हो सकता। रीजन इसका ये है, सपोज कीजिए जो इक्वेशन इसको हम लोग अगर वन मान लेते हैं और इसको टू मान लेते हैं, ठीक है, इसको वन टू मान लिया, अगर इक्वेशन वन में हम लोग टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा इसका इक्वेशन आपका 2x प्लस 4y और प्लस 8 इक्वल टू टू जीरो, ठीक है, अगर टू से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दिए इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन आपका बन गया। नेक्स्ट इक्वेशन है आपका 2x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके बन गया अगर इसमें आपका टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका सपोज कीजिए वन में से टू या टू में से वन को माइनस करते हैं तो टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, फोर वाई ये कैंसिल हो जाएगा, केवल नंबर बचेगा, तो नंबर का सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता क्योंकि कि एल्जेब्रिक इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पे इसका नो सॉल्यूशन आंसर करेक्ट है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी यही है आपका इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया गया है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोल रहा है और के की आपको वैल्यू निकालनी है, तो सपोज कीजिए अगर आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत सिमिलर इक्वेशन दिखता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखता है तो हम लोग बनाते हैं, तो अगर ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बन जाएगा जो इक्वेशन 6x प्लस 3 9y प्लस 15 इक्वल टू जीरो, ये अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, और ये इक्वेशन आप देख रहे हैं सेम है, यहाँ से आप अगर माइनस करते हैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा इसका 9y माइनस ky इक्वल टू जीरो, यहाँ से y को कॉमन कर लीजिए, 9 माइनस k इक्वल टू जीरो, y उधर जाएगा जीरो हो जाएगा, 9 माइनस k इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और k को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए 9 को उधर, तो k इक्वल टू 9 आपका आंसर आ जाएगा, तो इसमें आपका पहला जो है ऑप्शन करेक्ट है, 9 आंसर दिया हुआ है, ठीक है, एकदम सिंपल था, आपको थोड़ा सा इक्वेशन को देखना है और उसको समझना है कि क्या दिया गया है और हम लोग इसमें क्या मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बराबर करके सॉल्व कर सकते हैं। रीजन ये है कि एक आपका नंबर इक्वल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 6x है तो ऊपर भी हम लोग 6x बनाने के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ये रूल है मैथमेटिक्स का, ठीक है। 7 आपका ट्रिगो से है, ट्रिग्नोमेट्री से, द वैल्यू ऑफ 670 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70 इज, ये वैल्यू दिया गया है और इसका हम लोगों को फाइंड करना, तो मैंने सॉल्व कर दिया कॉपी पे, आपको परेशानी ना हो। 670 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70, तो सेग होता है जो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 बाई कॉस 70 इंटू हम लोग साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा माइनस इसको सेम इसी प्रोसेस से लिख दिया, कॉसेस को 1 बाई साइन लिख दिया, ठीक है, तो ये आपका कॉस 90 माइनस थीटा ये हो गया, आपका यहाँ पे साइन होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉस होगा, इसको लिख सकते हैं ये, ठीक है, कॉस दिया ना, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आपका कट जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा आपका आंसर, तो ये आपका जीरो सॉल्यूशन, मतलब जो ऑप्शन जीरो दिया है वो आपका करेक्ट होगा आंसर, तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बराबर कर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं इसमें आपका दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, ये वन हो गया और ये एक वन दिया है, ये टू हो गया, और आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा में बोला जा रहा है कि साइन और कॉस बराबर है, अगर बराबर हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा, यहाँ से आपका टू मिल गया, टू प्लस वन प्लस वन, ये आपका फोर हो गया, तो फोर सिंपल आ गया आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया गया था, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सीचेस में ज़्यादा आपके क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं, बट आपको थोड़ा सा माइंड की रिक्वायरमेंट होती है, आपको ट्रिक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया गया है ये आपको समझना है, और तुरंत आपको अगर समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया और कैसे उसका सॉल्यूशन करना है, तो आपका तुरंत विद इन सेकेंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म दिया गया, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पे टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, पेपर का ऐसा आपका प्रिंटिंग ही ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आपका दिया गया है कि साइन थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लोग साइन को कॉमन लेते हैं, नीचे से कॉस को कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन अगर आप ले लेते हैं तो आपका जो बच जाएगा यहाँ से आपका साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और ऊपर से नीचे से टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब हम लोग करते हैं ये, हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमको लिखना हो साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो हम लोग लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने यही लिख दिया और इसको ब्रैकेट में ले लिया और इसको सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट को ओपन किया, तो ये आपका ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो सेम यही इक्वेशन नीचे वाला आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस आप जानते हैं टेन होता है। अगर आपको टिग्नो में दिक्कत हो रहा है कि आपको वैल्यू कैसे लर्न होती है, साइन 60 टेन 60 या कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लर्न करने में दिक्कत हो रहा है, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ट्रिगो की वीडियो को देख सकते हैं, और साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस की भी ट्रिक से वीडियो बनाई है, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट को। नेक्स्ट है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है क्वेश्चन, द स्ट्रिंग्स ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक एन एंगल 60 विद द होरिजेंटल, अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग द हाइट ऑफ काइट इज, ये बोला जा रहा है कि आपका धागा मतलब स्ट्रिंग है यहाँ से बांधा गया है, होरिजेंटल आपका है, तो ये होरिजेंटल ले लिया, साइन 60 है ये, और यहाँ हाइट इसकी मतलब यहाँ पे ये काइट को उड़ाया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 60 बना रहा है मतलब 60 डिग्री बना रहा है, तो ये हाइट पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है, आपको लर्न नहीं कर पा रहे हैं अगर आप, तो एक फार्मूला होता है एल ए एल हिंदी मीडियम वालों को, ठीक कक्का, ये फार्मूला होता है सिंपल, और आप वो भी जानते होंगे बद्री प्रसाद पंडित हर हर भोले, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है, तो हाइपोटेनस अपॉन आपका ये हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालनी, तो एच साइन थीटा इक्वल टू एच बाई एल हो गया, ठीक है, इसको विकर्ण बोलते हैं, तो यहाँ से एच इक्वल टू हो गया एल इंटू साइन थीटा, तो एल की वैल्यू 100 दिया गया है इंटू रूट में 3/2, 2 से कैंसिल हो गया 50√3 मीटर, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 में आपका इक्वेशन से दिया गया है ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इक्वल टू 0 और ये बराबर नहीं है 0 के और इक्वल रूट्स हैं, तो हम लोग जानते हैं इक्वल रूट्स का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा, b की जगह 2 है और 4a की जगह आपका a है और c की जगह 1 है, ठीक है, तो सॉरी a है c की जगह भी, तो यहाँ से ये इक्वेशन जो बन जाएगा 4 = 4a * a² = 1, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। 12 है आपका, ये भी थोड़ा सा सिंपल है
बट आपको समझना होगा द वैल्यू ऑफ रूट में सिक्स प्लस रूट में सिक्स प्लस रूट में सिक्स, ऐसे ऐसे वो चला जा रहा है। तो हम लोग इसको सपोज कीजिए लेट कर लेंगे, ये है वाई दिया गया, ठीक है। तो वाई इक्वल टू रूट में सिक्स प्लस, देख रहे हैं आप बार बार रूट में मतलब सिक्स रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग भी वाई लिख सकते हैं। तो रूट में प्लस वाई मैंने लिख दिया इसको, ठीक है, आपका रिपीट हो रहा है बार बार, देख रहे हैं आप। तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कर दिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सिक्स प्लस वाई, इसको इधर लाया तो वाई स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस सॉरी माइनस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से वाई की जो वैल्यू आएगी थ्री आएगी माइनस टू आएगी, इसमें से आपका दो ऑप्शन करेक्ट दिया गया है, या तो माइनस टू हो सकता है या तो थ्री हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्वेश्चन ने ऐसा फ्रेम किया गया था, ठीक है। तो कोई भी आप ऑप्शन लगाएंगे वो करेक्ट होता है। पर फिगर दिया गया, एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल डीईएफ है, यहाँ से आपकी जो एंगल ई की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये ट्रायंगल ये जो है इसका आपका इसका ये ट्रायंगल जो दिया गया है डीईएफ, ये एबीसी का डबल है, जस्ट आपका मेजरमेंट सारा डबल दिया गया है। तो यहाँ से ये एंगल ट्रायंगल 40 है, तो ये भी आपका 40 होगा, तो ये 40 जब आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो आपका क्लियर होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ, किसी किस एचएस में आपके क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और साथ ही साथ आपको मालूम भी होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल है बट आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी अपनी, पहले से आपको प्रिपेयर होना होगा क्वेश्चन के लिए। आपको जितनी भी क्लास 10 तक के मतलब आपके बुक हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी के अलावा आपका साइड बुक जो भी चलता है, तो आप उसको सॉल्व करते रहिए, साथ ही एनसीईआरटी में भी आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 14, फिगर दिया गया, इसमें बोला जा रहा है कि डी ई पैरेलल है बी सी की और ये वैल्यू आपकी मिट गई थी एक्स प्लस थ्री, और यहाँ दिया गया था 8x माइनस 9 और ये एक्स था और 3x प्लस 4, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, ये दोनों साइड बराबर है तो मैं इसको और इसको इक्वल में कर लेता हूँ, ठीक है। तो 8x प्लस एक्स और इसको आप सॉल्व करेंगे माइनस 9 और 3, तो आपका आ जाएगा माइनस 6, ठीक है। और ये आ गया 4x प्लस 4, इसको उधर भेज दिया तो 9 में से 4 चला जाएगा 5, इसको इधर ला दिया तो 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी था 2 करेक्ट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ ईडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जो ईडी है वो परपेंडिकुलर है बीसी के, तो हमको ये आपका क्राइटेरिया कुछ दिया गया है उसको देखना है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये ऑप्शन जो है करेक्ट है इसमें परपेंडिकुलर के केस में, ठीक है। 16 है आपका, इफ द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 61/30 देन नंबर ही, बोला जा द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर सपोज करो एक्स ले लिया और उसका रेसिप्रोकल उन दोनों का सम, तो सपोज करो वो पॉजिटिव नंबर एक्स ले लिया उसका रेसिप्रोकल 1/x हो गया, इक्वल टू दिया गया 61/30, इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 61/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, इसको क्रॉस कर दीजिए, आप जानते ही होंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ये आपका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसको, या सिग्नेचर से जैसे आप सॉल्व करना चाहें उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सॉल्व भी कर दिया, 30x² इसको तोड़ेंगे आप तो 61x को तो -36 और -25 में टूटेगा, यहाँ से कॉमन वगैरह ले लिया, जो एक्स की वैल्यू आएगी 5/6 आएगी या तो 6/5 आएगी, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन को करेक्ट बोल सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन देखते हैं हम, 7/6 है, 1/2 है, 2/3 है और 5/6 जो है ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 17 है, इफ द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पॉइंट ए बी, मतलब ब्रैकेट में दिया गया फिर बी सी और सी ए दिया गया, ओरिजिन दिया गया AQ + BQ + CQ इक्वल टू, हम लोग जानते हैं AB + C का होल क्यूब का फॉर्मूला AQ + CQ + 3 ABC, इसको उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू में हो जाएगा 3 ABC, तो यही आपका ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, चौथा वाला एकदम सिंपल दिया गया था, आपको फार्मूला केवल याद होना चाहिए, एकदम तुरंत आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 18, इसमें दिया गया है कि 3 पॉइंट दिए गए हैं आपके कोलिनियर हैं
और ए और बी जो है बराबर नहीं है जीरो के, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपका ट्रायंगल के फार्मूले से सॉल्व हम लोग करेंगे। हम लोग जानते हैं जो ट्रायंगल का फार्मूला था 1/2 x1 y2 - y3 हो जाएगा, प्लस x2 के लिए y3 - y1 हो जाएगा, प्लस x3 y1 - y2 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को वैल्यू को पुट अप करके, जैसे a कॉमा जीरो है तो यहाँ x1 हो गया y1, x2 y2, x3 y3, ये सब वैल्यू आपके दिया हुआ है, इसको पुट अप करके सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल टू ए प्लस बी आएगा। मैंने रफ पे सॉल्व किया है और फिर ए बी से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1/a + 1/b इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो ये हो गया आपकी 18 तक के सॉल्यूशन, सॉल्व कर दिया। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ऐसे कॉपी वगैरह बार बार रखना रिकॉर्डिंग करने में। 19 है आपका, इफ द सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल मतलब उसका फॉर्मूले को बोल रहा है इक्वल है तो रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का 2πr होता है, 2πr इक्वल टू पाई आर स्क्वायर किया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से 1r कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू 2 बचेगा, तो r इक्वल टू 2 उसका वृत्त की त्रिज्या 2 होगी, ठीक है। 20 है थोड़ा सा सिंपल, ये बहुत ही सिंपल एकदम फार्मूले पे था, आपको फार्मूला बस पता होना चाहिए। आप 10th क्लास पास आउट है तो सर्कल का आपको फार्मूला याद ही होगा, सर्कमफेरेंस और उसका एरिया का, ये एरिया का फार्मूला है सर्कमफेरेंस का। नेक्स्ट आपका फार्मूला इज ये भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फार्मूले पे बेस्ड है। अ होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 cm and 8 cm रिस्पेक्टिवली इज मेल्टेड इन टू अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 cm, द हाइट ऑफ कोन। ये बोला जा रहा है कि जो होलो स्फीयर उसको चेंज किया जाए तो कोन में, तो कोन की हाइट कितनी होगी ये बताया जा रहा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, मैंने लिख लिया है, इसको सॉल्व कर लिया है। R1 की वैल्यू 2 cm डायमीटर दिया है यहाँ पे, और R2 8 दिया है, तो 4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आप जानते हैं जो रेडियस होता है डायमीटर का आधा होता है। नेक्स्ट है आपका इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है जो आपका होलो स्फीयर का 4/3 πr³ होता है, तो दो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दिया है, तो r³ - r³, एक को कैपिटल R ले लिया, एक को स्मॉल r, वैल्यू को पुट अप करके सॉल्व करेंगे तो आपका जो आएगा आंसर ये आएगा 4/3 πx 56 आएगा। इतना आप सॉल्व करने के बाद छोड़ देंगे यहीं पर, इसको पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कोन, तो हम लोग डायमीटर जो कोन का बेस डायमीटर d1 दिया है 8 cm, आपका इसका रेडियस हो जाएगा 4, आधा हो जाएगा रेडियस। हम लोग जानते हैं कोन का जो वॉल्यूम होता है आपका 4/1/3 πr² h होता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू को आप पुट अप करेंगे तो 16π हो जाएगा। पाई को आपको सॉल्व नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 3.14 या 22/7 रख के तुरंत सॉल्व कर दें। आपका कटने लायक क्वेश्चन रहता है तो आपको थोड़ा सा जो आपका न्यूमेरिकली जो वैल्यू रहेगी रखना नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्यूशन करना है कि उससे कि कटने वाला जो नंबर रहेगा कट जाएगा, फिर आपका सॉल्यूशन जो हो जाएगा बहुत ही ईजी और कम टाइम में हो जाएगा, यही सब आपको ध्यान में रखना है। तो 16π h/3 हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि कि बोला जा रहा है कि जो इसका जो आपका होलो स्फीयर का जो आपका वॉल्यूम है वो आपका चेंज हो रहा है कोन में, तो दोनों आपका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो यहाँ से मैंने इक्वल कर दिया इसको, आप देख सकते हैं इक्वल कर दिया। यहाँ से एच की वैल्यू भी फाइंड करनी है, यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से आपका ये वाला 3 कैंसिल हो गया, 4 से 16 4 टाइम में, 4 से 56 14 टाइम में, तो एच इक्वल टू 14 आपका आंसर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया गया है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 21, इसमें बोला जा रहा है कि ए की पावर एन प्लस 2 फिर बी के पावर एन प्लस 2 बोला जा रहा है अपॉन, ये सब दिया गया है अर्थमेटिक मीन। हम लोग जानते हैं जो अर्थमेटिक मीन होता है प्लस बी अपॉन 2 होता है, इसमें से आपको वैल्यू को चेक करना है, वैल्यू को ले लेके पुट अप करके देखना है। तो आप इसमें पुट अप करेंगे तो ये एन प्लस 1 है और नीचे एन प्लस 1 है, यहाँ भी दिया है माइनस 1 पुट अप करेंगे। हम लोग जानते हैं अगर कोई भी नंबर की पावर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से 1 1 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये प्लस बी आ जाएगा, तो ये आपका नंबर 1 जो है करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट आपका 22 मीन बोला जा रहा है 1² 2² 3² ऐसा एन स्क्वायर। फार्मूला इसका होता है ब्रैकेट में n प्लस 1 फिर ब्रैकेट में 2n - 1/6, ये फार्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका मोड मीन मीडियन का फार्मूला दिया गया है, द फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन।
हम लोग फार्मूला जानते हैं, मोड इक्वल टू था 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। बहुलक इक्वल टू 3 गुणे मध्य माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्यक, ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 24, अ मंथ इज सेलेक्टेड एट रैंडम इन अ ईयर। मंथ जो होता है एक रैंडमली उसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग एक मंथ को ईयर में। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मार्च और अक्टूबर, मार्च या अक्टूबर होने की उसकी प्रायिकता क्या होती है। तो हम लोग सपोज कीजिए यानी एनी मंथ को सेलेक्ट करते हैं, 12 मंथ में होते हैं टोटल, तो एक मंथ को कोई भी मंथ को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12। तो इसमें बोला जा रहा है या तो अक्टूबर होगा या तो मार्च होगा, तो 2 मंथ बोला जा रहा है तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/12 हो जाएगा, तो 1/6 जो आएगा इसका आंसर 1/6 आएगा। बट इसमें आपका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देख रहा है, तो इसमें नॉन ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर जो होना चाहिए 1/6 होना चाहिए, इसलिए इसको फ्रेम किया गया। नेक्स्ट है आपका, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मल्टीप्लाइड ऑफ 3 or 5। क्या मतलब 50 नेचुरल नंबर है, टोटल नंबर आपका 50 दिया गया है और आपका 3 or 4 होने की मल्टीप्लाई होने की प्रायिकता कितनी होगी ये देखना है। तो 3 × 5 हो जाएगा 15, 15 को 50 के अंदर कितने टाइम्स आ रहा है, तो 15 × 2 = 30, 3 = 45। तो 3 टाइम्स आउटकम्स मतलब 3 टाइम्स नंबर ऑफ 3 टाइम्स आउटकम्स आने की प्रायिकता है, तो 3/50 हो जाएगा आंसर। 25 में नॉन ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट है, इसमें आपका अगर 4 यहाँ पे होता तो ऑप्शन भी अलग वेरी करते हैं। 3/50 आंसर इसका करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। ये हो गया आपके 25 तक के मैथ के सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपकी वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 26 से लेके 100 तक के क्वेश्चन, जिसमें आपके केमिस्ट्री रहेंगे, फिजिक्स रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन रहेगा। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ को अच्छे से, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए।